नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही समानता का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में महिला और पुरुष आज हर क्षेत्र में समान रूप से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और बात करें महिलाओं की, तो आज ऐसा कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपने कदम नहीं रखे और अपना परचम नहीं लहराया। और बात करें सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की, तो आज यहां की महिलाएं भी चार दीवारी से आगे निकलकर अपने जीवन में आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। इन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा सीधा लाभ भी इन्हें मिल रहा है। आइए इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से खूंटी के पेरवा घाव में यहाँ पर महिलाओं को निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह से ये महिला ये सिलाई प्रशिक्षण ले रही है और खुद को रोजगार से जोड़ने के लिए सफल रूप से आगे बढ़ रही है, तो देखते हैं किस तरह से इस योजना से यहाँ की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। 21वीं शताब्दी में महिलाओं ने न सिर्फ घर को संवारने में अपनी भूमिका दर्ज कराई है, बल्कि अपनी प्रतिभा, हुनर एवं कार्य शैली से ये साबित कर दिया है कि वो व्यवसाय अथवा रोजगार कर आत्मनिर्भर भी हो सकती हैं। अपने दम पर देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति भी दे सकती हैं। हाल के वर्षों में महिलाओं ने जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस मद्देनज़र देश को प्रगति पथ पर और आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के तहत हम आज आप पहुँचे खूंटी जिले में। यहाँ सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत यहाँ महिलाओं को सिलाई का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आइए यहाँ के जो सेंटर हेड हैं उनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रितेश कुमार है, मैं भेजनेरिया स्केल खूंटी में सेंटर इंचार्ज हूँ। यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, कैसे यहाँ तक आप आती हैं, इसका क्या तरीका है, इसके बताइए। इसके लिए हम लोगों ने मोबिलाइजेशन का डिपार्ट बनाया है, जिसमें हमारे पास तीन मोबिलाइजर्स है, आनंद लहकार, आनंद राम और इंद्र सिन्हा। वो लोग फील्ड में जाते हैं, हमारी योजनाएं हैं उसको बताते हैं, बच्चों को समझाते हैं, हमारी जो पूरी योजनाएं हैं जो सब सक्षम झारखंड सरकार चला रही है उसकी रिपोर्टिंग वहां तक होती है, फिर बच्चे आते हैं। अब उसको भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जैसे वार्ड मेंबर्स हों, मुखिया, प्रमुख, उन लोगों के साथ मीटिंग की जाती है, आंगनबाड़ी सेविका के साथ मीटिंग होती है। उस मीटिंग में ये बताया जाता है कि सक्षम झारखंड का ऐसा प्रोग्राम है, इतने दिनों का प्रोग्राम है, उन लोगों को बुलाया जाता है और उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई जाती है यहाँ पे। महिलाओं में जन्मजात एक अच्छे मैनेजर एवं कुशल कारीगर के गुण होते हैं, बस उसे व्यवसायिक रूप में एक दिशा देने की जरूरत है। खूंटी जिला के रहने वाली हूँ और मैं यहाँ SAT का ट्रेनिंग ले रही हूँ और यहाँ पे सब चीज़ का सुविधा है, रहने के लिए हॉस्टल है, खाना और सिलाई करने का कपड़ा सब फ्री में मिलता है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं इंटर तक की पढ़ाई की हूँ और पैसा की कमी होने के कारण मैं इंटर तक की पढ़ाई की हूँ और आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे SAT का ट्रेनिंग ले रही हूँ। यहाँ और किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? कंप्यूटर और सॉफ्ट स्किल। अच्छा, सॉफ्ट स्किल सीखना कितना जरूरी है, जानना कितना जरूरी है? सॉफ्ट स्किल जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग कहीं जाएंगे तो किसी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए वो सब सीखना जरूरी, इसलिए हम लोग SAT का सॉफ्ट स्किल का क्लास करते हैं। अच्छा, ये बताइए आप, क्या यहाँ जो आप सिलाई ट्रेनिंग ले रही हैं ये पर्याप्त है, सीख कर आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं? यस सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की तरक्की के लिए महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के महत्व को समझा तथा देश के बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उनके रुचि के अनुसार जैसे सिलाई, कंप्यूटर आदि जैसे विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें रोजगार प्राप्त करने तथा खुद का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर होने में मदद किया जाता है। मेरा नाम निमी मंडू है, मेरे पिताजी का नाम तोपाल मंडू है, मेरी माता का नाम है नीलिमा मंडू, हम लोग 5 भाई बहन हैं और मैं यहाँ पर SAT का और सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर का ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं इंटर तक पढ़ाई की हूँ और यहाँ पर
हॉस्टल फ्री से यहाँ रहने के लिए मिलता है, खाना पीना सारा फ्री से। और हम लोगों को यहाँ सिलाई के अलावा और क्या क्या चीज़ सिखाया जाता है? सिलाई के अलावा हम लोगों को सॉफ्ट स्किल का और कंप्यूटर का सिखाया जाता है। हम लोग समीज, पेटीकोट, सिंपल ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज और फुल पटियाला, सेमी पटियाला। सर, हम लोग यहाँ से सीख करके जाएंगे, कहीं पर अगर रोज़गार के लिए हम लोग को देंगे तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पर कंप्लीट होने के बाद हम लोग आएंगे और अपना जितना पैसा हो जाएगा मशीन खरीदने के लिए तो हम लोग खरीद लेंगे और अपना घर में सिलाई करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कारण कल तक जो महिलाएं घर के काम तक ही सीमित थी, आज वो अपने कौशल से धन अर्जित कर रही हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड राज्य के खूंटी जिला में सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर हुई महिलाएं हैं। नाम सावित्री पूर्ति, मैं मुरु प्रखंड से आई हूं। यहां पर सिलाई का ट्रेनिंग चलता है, इसके बारे में जानकारी कहां से मिली? पहले बाज की एक उषा कुमारी थी, वो हमको बताई थी क्या सिलाई के बारे में। उसके बाद हम कोई मैडम का फ़ोन नंबर लिए थे, उसके बाद वो दी थी हमको। उसके बाद में हम आ गए थे अपने से, मैडम को फ़ोन करके आ गए थे ऑफिस में। उसके बाद हम अपना एडमिशन ले लिए थे। जब आप एडमिशन के लिए यहाँ आए तो यहाँ पर लोग क्या क्या डिमांड किया आपसे, क्या क्या मांग किए, किस किस चीज़ का मांग किया, कौन से कागज़ पत्र मांग किए, पैसा मांग किए, क्या डिमांड किया? उसमें कागज़ पत्र मांगे थे, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति आवासीय और आधार कार्ड और चार फोटो। और कुछ मांगे थे? और कुछ नहीं। सक्षम झारखंड कौशल विकास का जो यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में इन लोगों को रोज़गार दिया जाता है। ये लोग गर्ल्स लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कौशल विकास के थ्रू यहाँ पे वो लोग रोज़गार पे जाते हैं। ये ट्रेनिंग का मुद्दा है बेरोज़गार को रोज़गार देना। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ ट्रेनिंग करती हैं उन लोगों का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो लोग अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और रोज़गार पाते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग है और सारे लोग यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं ये सारे लोग इंटरेस्टेड है कौशल विकास योजना की ट्रेनिंग से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ है, क्योंकि पहले महिलाओं को घर चलाने के लिए पुरुषों पर ही निर्भर रहना पड़ता था और तंगी भी हमेशा बनी रहती थी। परंतु अब महिलाएं भी प्रशिक्षित होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपने घर को सुचारू रूप से चला रही हैं। मेरा नाम सरस्वती सांसी है, मैं जियारप्पा गांव से आई हूं और मेरे पिता का नाम वासुदेव सांसी है, मेरी मां का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी देवी और मैं यहां सिलाई सीखने के लिए आई हूं। यहां सिलाई चलता है, सिलाई सेंटर चलता है, इसके बारे में जानकारी कहां से मिली? मेरे घर तक सर लोग गए थे। सर लोग खुद गए थे? जी हाँ। क्या बताया? उस समय मैं घर में नहीं थी तो मेरे भैया और मेरे पापा थे घर में। अच्छा। मैं मेहमान गई थी तो फिर हमको बुलाया गया घर, फिर हम आए मेहमान से घर आए और यहीं आए। वो आपके पिताजी आपके घर वाले सारे लोग तैयार थे कि आप ट्रेनिंग के लिए जाएं? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ आई तो क्या क्या लगा आपको, क्या क्या कागज पत्र वगैरह लगा? वो सब भैया लोग ही जमा कर दिए। जमा कर चुके? जी हाँ। क्या यहाँ पर आने पर लोग क्या बताया, कितने दिनों की ट्रेनिंग है? 48 दिन की ट्रेनिंग। अभी कितने दिनों की ट्रेनिंग हो चुकी है? आज 24वां दिन है। क्या क्या सीखा आपने? समीज, पेटीकोट, जांघिया, फ्रॉक और सलवार सूट। क्या लगता है यहाँ से ट्रेनिंग पा के आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए, इस तरीके का ट्रेनिंग अगर सरकार की ओर से नहीं दिया जाता तो क्या आप प्राइवेट में कहीं ट्रेनिंग कर सकते थे? नो सर, उतना तो नहीं है घर में। जी नहीं। कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में सिलाई एवं अन्य विधाओं में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्हें प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जाता है जिसकी वैधता पूरे देश में होती है। मैं यहाँ सिलाई की ट्रेनिंग करने आई हूँ। यहाँ खुटी में ही पढ़ाई करती थी, पार्ट 1 में हूँ, लेकिन
पता चला कि यहाँ सिलाई होता है, सिलाई का ट्रेनिंग होता है, इसीलिए यहाँ सिलाई करने आ गई। और यहाँ आते ही डॉक्यूमेंट में जाति आय अवश्य 3 फोटो, फिर आधार कार्ड का फोटोकॉपी मांगा गया और बताया गया कि 48 दिन का कोर्स है, फिर 48 दिन पूरा करके रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर मतलब कि स्टार्टिंग में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो गांव देहात से रहते हैं वो लोग, बहुत कोई 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 लड़की लोग बोलने में भी बोल भी नहीं पाती हैं ठीक से, और बहुत से कोई तो ऐसी भी रहती है जो मशीन भी नहीं देख पाती है। तो उनका शुरुआत हम लोग पहले तो उन लोगों को इंट्रोडक्शन दे लाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे किस लिए आए हैं, उनके पूरा नॉलेज देते हैं। फिर उसके बाद जब वो बोलने जैसी हो जाती हैं कि बोल पाती हैं, कुछ लिख पाती हैं, फिर उसके बाद हम लोग मशीन के पार्ट्स के बारे में उनको दिखाते हैं, पूरा मशीन का पार्ट्स मशीन के पास ले जा कर के उसको सारा चीज़ मशीन के बारे में बताया जाता है, ताकि अगर किसी तरह से सिलते वक्त अगर किसी तरह का दिक्कत आए तो वो मशीन को खोल करके उसको बना सकती है और फिर से अपना काम को कंटिन्यू कर सकती है। इसके बाद जब हम लोग थ्योरी क्लासेस में जाते हैं तो थ्योरी क्लासेस में हम लोग बोर्ड का यूज़ करते हैं, बोर्ड में हम लोग ग्राफ करके सारा चीज़ बताया जाता है, ग्राफ करते हैं, फिर उसके बाद उसी चीज़ को हम लोग पेपर में कटिंग करवाते हैं। पेपर कटिंग करने जब वो लोग सीख जाते हैं, पेपर में कटिंग करना सीखती है, फिर उसके बाद पेपर में ही हम लोग स्टिचिंग करवाते हैं। जब स्टिचिंग कर लेती हैं तब हम लोग फिर उसे फैब्रिक देते हैं, फैब्रिक में कटिंग करवाते हैं, और फैब्रिक में कटिंग करने के बाद उसे मशीन पर लेप पर ले जाते हैं। फिर जब वो लेप में आती है तो सबसे पहले हम लोग उसका धागा किस तरह से भरा जाता है और किस तरह से उसको चलाया जाता है, ये सारा चीज़ पहले देखते हैं पेपर में। पेपर में जब वो सीख जाती हैं तब हम लोग फैब्रिक में उनको चलवा करके बनवा करके देखते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस में जाते हैं और 48 दिन का जो कोर्सेस होता है, 48 दिन में हम लोग का जो भी सिलेबस मिला हुआ है, क्या क्या सिखाना है, किस क्या क्या पढ़ाना है, वो पूरा कम्प्लीट करा करके फिर उसके बाद उन लोग का असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट हम बीच बीच में हम लोग टेस्ट लेते हैं, मौखिक टेस्ट भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और रिटर्न टेस्ट भी लेते हैं। प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार अथवा व्यवसाय करने के लिए विशेष सलाह भी दी जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं जहां आत्मनिर्भर हुई हैं वहीं उनके सम्मान में इजाफा हुआ है। अब उनके बच्चों को पैसे के अभाव में स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता है, ना ही घर में किसी तरह के अन्न की कमी होती है। आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कारण गांव से लेकर शहर तक हर महिला खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो देखा आपने किस तरह से पेरवा घाघ खूंटी की महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण ले रही हैं और इस काम से आसानी से जुड़कर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही है। इसी के साथ लिए चलते हैं आपको पलामू क्षेत्र, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बेटियों को एक तरफ जहां निशुल्क शिक्षा दी जा रही है, वहीं उन्हें दूसरी गतिविधियों में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वो आगे चलकर आत्मनिर्भरता से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक ऐसी योजना रही है जहां पर बेटियों को शिक्षित तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ हमारे देश में जो कुरीतियां बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसी चीजें रही है इनको भी रोकथाम करने में इसका बड़ा योगदान रहा है। तो देखते हैं किस तरह से पलामू क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से यहाँ की बालिकाएं आगे बढ़ने में सफल हो रही है। देश की संपूर्ण जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए महिलाओं के बिना देश के उच्चतम विकास की कल्पना अधूरी है। भारत के संपूर्ण विकास के लिए यह जरूरी है कि हम बेटों के समानांतर देश की बच्चियों को भी बराबर की शिक्षा सुविधा मुहैया करानी होगी, ताकि बेटियां भी बेटों के साथ कदम मिलाकर चल सकें और देश को सफलता की राह पर अग्रसर कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि बेटियों के जन्मदर और शिक्षा में सकारात्मक पहल कर बदलाव लाया जाए, उन्हें भी पुरुषों के मुकाबले बराबर की सुविधा और अवसर मुहैया कराया जाए। एक नरेंद्र मोदी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ का मतलब है आजकल देश में बहुत से ऐसे औरतें हैं जो अपने गर्भ में बेटी को जांच करा कर मार दे रहे हैं और बेटा के अथी में बेटा की संख्या बढ़ रहा है, बेटी की संख्या घट रहा है। ऐसा हमें नहीं करना है, बेटी भी पढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है।
बेटी भी बेटा से कम नहीं है और आगे चलकर बेटी भी देश की सेवा कर सकती है, देश की रक्षा कर सकती है, इंजीनियर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, पुलिस बन सकती है। एक बेटी को पढ़ने से क्या फायदा होता है? बेटी अपनी पढ़ती है तो दो जगह का परिवारों को पढ़ाती है, एक तो अपने नैहर में जहाँ रहती जन्म लेती है वहाँ माता पिता की सेवा करती है और टीचर की आज्ञा को पालन करती है, दूसरी जगह जहाँ जाती है वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है और अच्छी तरह से रखती है। बेटियों की शिक्षा के महत्व को समझते हुए झारखंड राज्य में पलामू जिला के कुहकू कला गाँव के लोगों ने बेटियों के जन्म दर को बढ़ाने और उनको शिक्षित करने हेतु केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ जुड़ना पसंद किया और महिलाओं को सशक्त करने की तरफ एक सराहनीय कदम उठाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी इसका मतलब है कि जो बेटी अपने गर्भ में रहती है उसको धुलाई करवा देते हैं, सफाई करवा देते हैं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि बेटी भी बेटा से भी बदला ले सकते हैं और अपना घर परिवार चलाएंगे और अपना बाल बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इनके इस पहल से सिर्फ समाज में ही नहीं वरन पूरे देश में यह संदेश संप्रेषित होगा कि शिक्षित महिला अपने हुनर और ज्ञान से अपने परिवार और समाज का उत्थान तो करेगी ही, साथ ही देश की आर्थिक और सामाजिक विकास को भी सुदृढ़ करेगी। बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी भी बेटा से कम नहीं है, बेटी भी कुछ बन सकती है अपना भविष्य में, कुछ कर सकती है। बेटी को क्यों पढ़ाना चाहिए, पढ़ना क्यों जरूरी है? बेटी पहला जन्म लेती है तो हाँ कुछ कर, माता पिता की सेवा करती है, स्कूल में शिक्षक का कुछ आज्ञा करती है, दूसरा जगह जाती है वहाँ भी अच्छा से संभालती है, अच्छा से करती है। कितने में बोलना चाहती हूँ, आप क्या पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। शिक्षक ही क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि शिक्षक बच्चा को शिक्षा दे सकते हैं, कुछ समझा सकते हैं। भारत में हो रहे कन्या भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए हमारे देश के केंद्र सरकार ने हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना तथा बच्चियों को उच्च शिक्षा देने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। हमको नाम है संगीता कुमारी, ग्राम रेशियाप्पा, पोस्ट ऑफिस थाना नौढ़िया बाजार, जिला पलामू, देश भारत, राज्य झारखंड, पलामू जिला में रहती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में क्या जानूँ, दो शब्द बोलिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं बेटा से किसी कम नहीं हूँ मैं, और जो काम बेटा कर सकता है वो काम हम भी कर सकते हैं, दो परिवारों को संभाल सकते हैं। जब माँ बाप जन्म देते हैं बेटी को तो मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। और फिर बेटी को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि बेटी भी देश की रक्षा कर सकती है। और फिर बेटा से कम नहीं है किसी को बेटी भी। कुहकू कला पलामू का यह क्षेत्र जंगलों से घिरा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कियों की तो दूर, लड़कों को भी स्कूल भेजने में माता पिता भयभीत रहते थे। शिक्षा का अभाव नक्सलवाद का एक प्रमुख कारण है, इसलिए किसी भी कीमत पर पलामू के कुहकू कला में शिक्षा का ज्योत जलाना बहुत जरूरी था, जिसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए। पुलिस के जवान लंबी दूरी तय कर कुहकू कला में लोगों को इकट्ठा कर अनेकों बैठकें की, लोगों को समझाया, उन्हें जागरूक किया,
उनके बीच व्याप्त भय को दूर करने की कोशिश की, जिसका नतीजा है कि आज लोग बेटों के साथ साथ बेटियों को भी शिक्षित करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। मैं सहायक कमांडेंट अनूप वर्मा B-134 वाहिनी का समवाय अधिकारी हूँ। यहाँ पे मैं 2018 पहल से तैनात हूँ। जो यहाँ का शिक्षा स्तर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पिकेट ये बनने से पहले, ये कैंप बनने से पहले यहाँ पे थोड़ा बेटियों को शिक्षा के लिए कम प्रेरित किया जाता था, क्योंकि थोड़ी असुरक्षा की भावना थी। जैसे ही यहाँ पे पिकेट का निर्माण हुआ, यहाँ के गांव में, समाज में एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई, जिससे लोगों में थोड़ी जागरूकता आई कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना ज़रूरी है। हम लोग भी यहाँ पे क्लास लेते हैं, माँ बाप और परिजनों को समझाते हैं कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं, बेटियों को भी उतना ही हक है, उतना अधिकार है, उतनी ही शिक्षा देना जरूरी है जितना बेटों का। कुहकू कला के ग्रामीणों का यह भी मानना है कि जब से CRPF का पिकेट यहाँ बना है, तब से लोग पूरी तरह भयमुक्त हैं और बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक सफल प्रयास है, क्योंकि इस अभियान के तहत लोग जागरूक हो रहे हैं। जो पिकेट बनने से यहाँ पे शिक्षा का स्तर में जो गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, वो बहुत ज़्यादा है, और हम ऐसी आशा करते हैं कि भविष्य में भी इस तरीके के प्रोत्साहन हम देते रहेंगे और इसी तरीके से इन लोगों को मोटिवेट करते रहें कि बच्चों को भी, बेटों के अलावा भी बेटियों को भी उतना अधिकार दिया जाए, शिक्षा का अवसर दिया जाए, रोजगार के अवसर दिए जाएँ, और हर क्षेत्र में, ताकि वो बढ़ चढ़ के भाग ले सकें, हिस्सा ले सकें और देश के विकास की राह में ये अपना योगदान कर सकें। कन्या भ्रूण हत्या के दर में कमी आई है। पलामू के कुहकू कला में भी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कारण बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। उन लोग को जागरूक करते हैं, उन लोग को बताते हैं कि बेटा से कम नहीं है बेटी, उन लोग को भी उतना ही है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मुखिया बन सकते हैं, सुरक्षाकर्मी बन सकते हैं, जो देश हित में काम करेंगे। बेटी दो जगह का विकास होता है, एक नैहर का विकास होता है, फिर ससुर में जाती है, वहाँ सेवा करती है। बेटा से कम बेटी नहीं है सर, इसका हम लोग बताते हैं हर जगह। बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी? बेटी को पढ़ाना अत्यंत जरूरी है सर। बेटा से बेटी कम नहीं है, बेटी के अपना बढ़िया से पढ़ाई लिखाई और योग्यता हो जाए तो शादी ब्याह अपना करे। तो आज के कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से पीरवा घाघ खूंटी की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने दिखाया कि किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।